फ्रेंड्स, मैं हूँ अन्नपूर्णा और आपका स्वागत है मेरे किचन में। आज हम बनाने वाले केले के फूल की सब्जी, जो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है, हेल्दी है, आयरन रिच है, बहुत ज़्यादा इसमें विटामिन्स भी हैं। इसके लिए मैंने लिया है केले का फूल। इसको कैसे साफ करते हैं मैं आगे दिखाऊंगी। उसके अलावा बारीक कटा प्याज, बारीक कटा टमाटर, करिया पत्ती, अदरक लहसुन का पेस्ट, धनिया पत्ती, हल्दी, मिर्च पाउडर, नमक, गरम मसाला, हरी मिर्च, तड़का लगाने के लिए जीरा सरसों। उसके अलावा ये है मूँगफली 2 टीस्पून, सूखा नारियल ये भी अराउंड 2 टीस्पून है, जीरा 1 टीस्पून है, खड़ा धनिया 2 टीस्पून है, और ये है कश्मीरी लाल मिर्च। कश्मीरी लाल नहीं है तो आप नॉर्मल मिर्च का भी इस्तेमाल कर सकते हो, या ग्राइंड करते समय मिर्च पाउडर भी। इन सबको भून के हम पेस्ट बना लेंगे, और मैं बना रही हूँ सरसों तेल में। सबसे पहले केले के फूल को कैसे क्लीन करना है वो देखते हैं। मैंने लिया है फूल, फूल लेके उसके ऊपर का पूरा पहला वाला लेयर जो उसका कवर होता है उसको मैंने उतार लिया है। उतार के इसके जो फूल हैं उसको हम लोग सबको निकाल के साइड में कर देंगे। साइड में करने के बाद एक एक फूल लेके इसको क्लीन करना पड़ता है। मैंने एक फूल लिया है, फूल लेके इसके अंदर जो माचिस की तीली जैसा है वो, और ये जो सामने प्लास्टिक जैसा पार्ट है वो, और पीछे का हमें नहीं क्लीन करना है। हमें ये प्लास्टिक जैसा पार्ट और ये जो माचिस जैसा लंबा दिख रहा है, माचिस की तीली जैसा, उसको हम लोग निकाल के साइड में रखेंगे। इस तरीके से सारे सामने वाले ये प्लास्टिक जैसे और जितने भी माचिस की तीली जैसे जो दिख रहे हैं, सबसे लंबे होते हैं ये, इनको हम लोग निकाल के साइड में रखेंगे। अगर हम लोग इनको रखेंगे तो ये जल्दी पकेंगे भी नहीं और इसका टेस्ट थोड़ा सा कसेलापन रहता है। इसी तरीके से हम लोग पूरा फूल क्लीन करके रख लेंगे, काटें उसे फेंक देंगे। अब इसको हम लोग करते हैं चॉप। चॉप करने के लिए आप थोड़ा सा केले का फूल लेके उसे बारीक चॉप करना, जैसे हम लोग नॉर्मल वेजिटेबल चॉप करते हैं आप वैसे भी चॉप कर सकते हो। चॉप करने के बाद अगर आप तुरंत बना रहे हो, मतलब जैसे काट लिए उसके तुरंत बाद बनाने वाले हो, तो नॉर्मल पानी में डाल के रखना। अगर थोड़ी देर बाद बनाने वाले हो, 2-3 घंटे बाद या 1 घंटे बाद, तो दही या मही वाले पानी में डालना। मैं थोड़ी देर बाद बनाने वाली हूँ, इसलिए एक बाउल में मैंने थोड़ा सा पानी लिया है, उसमें डाला है 3 स्पून दही और थोड़ा सा नमक डाल के मिक्स करके। अब मैं इसमें डाल रही हूँ कटे हुए केले के फूल। ऐसा डालने से केले के फूल काले नहीं पड़ते हैं, टेस्ट में कोई डिफरेंस नहीं आएगा, बट केले के फूल काले नहीं होंगे। अब मैं इसको अच्छे से मिक्स करके साइड में रख रही हूँ। अब हम करते हैं आगे का प्रोसीजर। मैंने रखा है एक पैन, उसमें मैंने डाला है 2 टीस्पून मूंगफली डाल के, मैंने इसको थोड़ा सा भून लिया है। उसके बाद मैंने इसमें डाला है सूखा नारियल, सूखा नारियल डाल के थोड़ा सा भून लिया। अगर आपके पास सूखा नारियल नहीं है तो आप स्किप भी कर सकते हो, या डेसिकेटेड कोकोनट का भी इस्तेमाल कर सकते हो। उसके बाद मैंने डाला है धनिया और जीरा डाल के, मैंने इसको अच्छे से भून लिया है। भून के अब मैं इसमें डाल रही हूँ सूखा कश्मीरी लाल मिर्च। अगर आपके पास कश्मीरी लाल मिर्च नहीं है तो आप नॉर्मल जो मिर्च है वो भी इस्तेमाल कर सकते हो, या ग्राइंड करते समय 1/2 स्पून मिर्च पाउडर डाल देना। उसके बाद ये भुन गया है, मैंने इनको निकाला प्लेट में। जब ये ठंडा हो जाएगा मैं इसको ग्राइंड करके इसका फाइन पेस्ट कर लूँगी। ये ठंडा हो गया, अब मैं इसको कर रही हूँ ग्राइंड। ग्राइंड करके मैं इसको साइड में रखूँगी। साइड में रख के अब हम करते हैं आगे का प्रोसीजर। मैंने रखा है पैन, उसमें डाला है सरसों तेल। सरसों तेल में सब्जी बनाते समय सबसे पहले सरसों तेल को अच्छे से गर्म करके फिर गैस का फ्लेम ऑफ कर देना है। फिर गैस का फ्लेम ऑन करके हम इसमें सब्जी बनाएंगे। ऐसा करने से सरसों तेल से जो गंध आता है वो नहीं आएगा। अब मैंने डाला है फिर से गैस का फ्लेम ऑन करके जीरा सरसों और करिया पत्ती, जैसे ये क्रैकल हो गए उसमें मैंने डाला है बारीक कटा प्याज। प्याज डाल के मैंने थोड़ा सा भून लिया है। थोड़ा सा भुनने के बाद इसमें मैं डालूँगी बारीक कटा हरी मिर्च। हरी मिर्च डाल के अब मैंने इसमें डाला है बारीक कटा टमाटर। टमाटर डाल के थोड़ा सा इसे भुनना है। जब टमाटर थोड़े से गल जाएंगे उसके बाद हम लोग इसमें डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। ये सब्जी बहुत ही आसान तरीके से बनती है और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। बस केले का फूल साफ़ करते समय थोड़ा सा टाइम लगता है और पेशेंस भी। अब मैंने डाला है अदरक लहसुन का पेस्ट। पेस्ट डाल के मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ केले के फूल, जिसको हमने दही वाले पानी में डाल के रखा था। आप देख सकते हैं ये एकदम वाइट है क्योंकि हमने इसको दही वाले पानी में डाल के रखा था। अब डाल के इसको हम लोग अच्छे से भुनेंगे। यहाँ पे हमें गैस का फ्लेम हाई रखना है। हाई रख के हाई फ्लेम पे 4-5 मिनट तक इसे लगातार चलाते हुए भुनना है, ताकि इसमें जो भी मॉइस्चर है वो निकल जाए और अच्छे से ये भुन जाए। जब ये भुन जाएगा 4-5 मिनट बाद, अब मैं इसमें डाल रही हूँ सूखे मसाले। सूखे मसालों में सबसे पहले मैं डाल रही हूँ हल्दी, उसके बाद मिर्च पाउडर। हम लोग हरी मिर्च भी डाल दिए हैं इसलिए मिर्च पाउडर और नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालना। डाल के मैं इसको अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। मिक्स करके मैं इसको ढक के धीमी आंच पे 5 मिनट तक रहने दूंगी। ऐसा करने से केले के फूल जल्दी तो पकते ही है, साथ में
टेस्ट भी बहुत अच्छे से रहता है, क्योंकि अगर हम लोग कोई भी सब्जी धीमी आंच पे बनाते हैं तो उसका टेस्ट बहुत अच्छे से रहता है। अब मैंने इसे ढक के धीमी आंच पे 5 मिनट तक पकने दिया है। 5 मिनट बाद केले का फूल ऑलमोस्ट पका है, पर पूरी तरह से नहीं पका। अगर आप सूखी सब्जी बनाओगे तो थोड़ी देर और भून के गर्म मसाला धनिया पत्ती डाल के गैस का फ्लेम ऑफ कर देना। बट हम लोग ग्रेवी वाली सब्जी बना रहे हैं इसलिए इसमें मैंने जो भून के ग्राइंड कर लिया था वो पीस डाल दिया है। डाल के मैं इसको अच्छे से मिक्स कर रही हूँ ताकि सारा मसाला और केले का फूल अच्छे से मिक्स हो जाए और भुन जाए। इसके बाद मैं इसे ढक के 5 मिनट तक धीमी आंच पर और पकने दूंगी। 5 मिनट बाद चेक कर रही हूँ, मसाला अच्छे से भुन चुका है, अच्छे से सूख भी गया, इसमें बिल्कुल नमी नहीं है। अब मैं इसमें डालने वाली हूँ पानी, क्योंकि हम लोग ग्रेवी की सब्ज़ी बना रहे हैं। इसमें मैंने डाला है 1 गिलास पानी। मैं इसको बहुत ज़्यादा पतला नहीं कर रही हूँ, आपको जैसा कंसिस्टेंसी चाहिए उसके अकॉर्डिंग आप पानी ऐड करना। अगर आप ज़्यादा पतला बना रहे हो तो 1.5 गिलास पानी डाल देना। अब मैं इसको मिक्स करके मीडियम हाई फ्लेम पे 3-4 मिनट तक पकने के लिए रख दूंगी, या तब तक जब तक कि सब्जी थोड़ी सी गाढ़ी ना हो जाए और फूल अच्छे से पक ना जाए। मैं 4 मिनट बाद मैं ढक्कन निकाल के देख रही हूँ, सब्जी एकदम अच्छे से पक गई है। ये सब्जी रोटी, चावल, पराठा किसी के भी साथ खाओ, सभी के साथ इसका कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लगता है, साथ ही साथ ये बहुत ज़्यादा हेल्दी भी है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ गर्म मसाला। गर्म मसाला डाल के बारीक कटा धनिया पत्ती डाल के मैं इसको थोड़ा सा मिक्स करके 1 मिनट के लिए गैस पर रहने दूंगी धीमी आंच पे। उसके बाद मैं इसे करूंगी सर्व। ये सब्जी बच्चों के लिए, बड़ों के लिए और जो मम्मीज फीडिंग कराती है उनके लिए तो बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो ऐसा बहुत ही हेल्दी टेस्टी सब्जी आप भी ज़रूर बनाइए। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।